स्टूडेंट्स बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने ड्रग्स तथा एल्कोहल और उसका शरीर पर प्रभाव से संबंधित वीडियो के डाला था, जिसके पश्चात इस टॉपिक से संबंधित यह मेरा दूसरा वीडियो है, किशोरावस्था और यवनावस्था में साइकोट्रॉपिक औषधियाँ, इनका प्रयोग और दुष्प्रभाव। साइकोट्रॉपिक औषधियाँ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो व्यक्ति को व्यसनी बना देती हैं। इनका मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के आधार पर ये औषधियाँ निम्न चार प्रकार की होती है। पहली औषधि है शामक या निद्रा कारक। शामक या निद्रा कारक औषधि है बेलियन व बार्बिट्यूरेट्स। बेलियन व बार्बिट्यूरेट्स ये शामक और निद्रा कारक औषधियां हैं, जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति को शरीर में शिथिलता और निद्रा आती है। वह इन औषधियों को लेने के पश्चात निद्रा की आगोश में आ जाता है। दूसरा है उत्तेजक, कॉफी, कोको कोला, एम्फेटामिन। ये औषधियाँ उत्तेजक औषधियाँ होती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुरुपयोग इन उत्तेजक औषधियों को देकर करता है, किसी भी प्रकार का गलत कार्य करा लेता है। इन औषधियों के बाद व्यक्ति का रुधिर दाब बढ़ जाता है, BMR बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वह आसानी से किसी की बात में आकर के कोई भी घटना को अंजाम दे देता है। तीसरी औषधि है विभ्रमक। इसके अंतर्गत आता है LSD, मेस्कालाइन, सिलोसाइबिन, चरस, अफीम, गांजा, भांग आदि। ये विभ्रमक औषधियाँ होती हैं। व्यक्ति इन औषधियों का धीरे धीरे आदि बन जाता है और आसानी से वह विभ्रमित हो जाता है। वह यहाँ तक कहने लगता है कि मैं आवाज को देख सकता हूं, आवाज को सुन नहीं देख सकता हूं। तो इस प्रकार से उसके अंतर्गत विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या किए हैं भूल जाता है, क्या करने वाले हैं भूल जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति का लोग दुरुपयोग कुछ ज्यादा ही करते हैं। इन औषधियों का प्रयोग करा करके उसे मर्डर, रेप, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम आसानी से दिला देते हैं। तो ये विभ्रमक औषधियाँ हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क को, मन को भ्रमित कर देती हैं। चौथी औषधि है ओपिएट। इसके अंतर्गत अफीम, हीरोइन जैसी औषधियाँ आती हैं। ये औषधियों का भी हमारे शरीर पर बहुत ही घातक, हानिकारक और बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति इन औषधियों को लेने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करता है, आराम महसूस करता है, क्योंकि ये हार्ट बीट, श्वसन दर और उपापचय दर को कम कर देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर होने लगता है, व्यक्ति आराम महसूस करता है। धीरे धीरे उसमें उल्टी, दस्त, बेचैनी, घबराहट, कमजोरी जैसी अवस्था आ जाती है। व्यक्ति एकदम सुनसान, निर्जीव की भांति रहने लगता है और अंतिम परिणाम क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स के अतिरिक्त मैं उन अभिभावकों से भी
कहना चाहूंगा, जो अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करते हैं, खेलने से रोकते हैं, ये स्थिति ऐसे औषधियों के सेवन को प्रेरित करती है। अभिभावक बंधुओं, अपने बच्चों को उतना ही दबाव डालें जितना उनके लिए खातर और दुष्प्रभावी न हो, और बच्चे भी इनके प्रति अपने अंदर अलर्टनेस लाएं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, इनके गिरफ्त में न आए। विभिन्न खेलों में भी आप देखते हैं कि खिलाड़ी ऐसे पदार्थों का सेवन करके जिसको ड्रोपिंग करते हैं, वो दौड़ते हैं, खेलते हैं, और बाद में जब मेडिकल चेकअप होता है, उनके ब्लड में ये हानिकारक औषधियां मिल जाती हैं, वो खेल से निकाल दिए जाते हैं, उनके ऊपर लंबे समय तक रोक लग जाती है कि वो अब खेल नहीं सकते। तो ये मैं स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहूँगा कि वो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों से अपने को दूर रखें, और अगर कोई व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आ चुका है, ऐसे व्यक्तियों को भी समझा बुझा करके समाज से जो विरत हो रहे हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करें, उनके जीवन को प्रदान करें, भरपूर यौवनावस्था और किशोरावस्था जीने का आनंद प्रदान करें। मित्रों, स्टूडेंट्स, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा अगला वीडियो भी आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। थैंक्स।